आगे की आगे आगे और हुई और क्या सुझाव लिए गए? देखिए, आज जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाने के लिए जो कमेटी गठित की थी माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में, उसकी आज बैठक हुई है जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। हमारी ओर से भी आदरणीय सत्यपाल सत्ती जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी उपस्थित रहे। और इस बैठक में जहां जो स्ट्रीट वेंडर्स का पहला एक्ट है, एक्ट 2014 का सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी प्रेजेंटेशन हुई है। और जो उसके बाद उस एक्ट के आधार पर हिमाचल गवर्नमेंट ने 2016 में रूल्स बनाए हैं उनके बारे में प्रेजेंटेशन हुई है, और उस आधार पर शिमला कॉरपोरेशन क्या क्या कर रही है उसके बारे में उन्होंने, कमिश्नर साहब ने उसकी जानकारी दी है। सभी सदस्यों ने उसमें और क्या क्या अमेंडमेंट हिमाचल की दृष्टि से होनी चाहिए उसके सुझाव दिए हैं, और उन सुझावों को लीगली वेरीफाई किया जाएगा, और उनमें से कौन कौन से सुझाव मान्य हो सकते हैं, उन सुझावों को लागू करने के लिए कैसे हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, उस पर जो है वो लीगल एक्सपर्ट लेने के बाद अगली बैठक में विचार होगा। और साथ ही प्रदेश की जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं कि प्रदेश के भी किसी व्यक्ति ने इस दृष्टि से अपना कोई सुझाव देना हो तो वो सुझाव दे सकते हैं, और आप बुद्धिजीवी हैं इसलिए आप भी उसमें सुझाव दे सकते हैं। सर, आपकी तरफ से कोई सुझाव दिया गया है आज? अनेक सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है उनकी वैसे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये है कि जब तक उनकी लीगल जो है सारी जो पहलू है वो विचार करने के बाद प्रस्तुत नहीं होते तो मुझे लगता है उनकी चर्चा करना ठीक नहीं है। 2014 का जो एक्ट है क्या उसके मुताबिक इसको आगे ले जाएगा, अगर कुछ बदलाव? हाँ, क्योंकि वो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके बाहर तो हम नहीं जा सकते। अगर उसमें रूल्स बना सकते हैं कुछ, अगर हम नया चाहते हैं, हम हिमाचल गवर्नमेंट जो उसमें है अमेंडमेंट लाकर रूल्स बना सकती है, रूल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, नए रूल्स ला सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हिमाचल के इंटरेस्ट के लिए कोई जो सेंटर एक्ट है उसमें बदलाव करना है तो फिर तो हमारे को राष्ट्रपति तक वो अमेंडमेंट भेजनी पड़ेगी, तो उस पर सारा विचार किया जा रहा है। सत्ती जी, पिछले दिनों आपने विक्रमादित्य सिंह के जो नेम प्लेट वाला बयान था उसका समर्थन किया था, क्या आपने कमेटी में उसका भी सुझाव दिया है कि उस पर अमल होना चाहिए? उस पर तो जो सत्ती जी ने भी कहा, विक्रम जी ने भी कहा, विक्रमादित्य जी ने भी कहा, उसका एक्ट में प्रावधान है कि जो भी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी कार्ड होंगे वो सबको गले में लगाने हैं। परंतु जैसे मैंने कहा, एक्ट आने के बाद और उसके बाद रूल्स बनने के बाद प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई। उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो कोई भी हो, जो भी स्ट्रीट वेंडर होगा उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड गले में लगाना होगा, ये एक्ट में लिखा होगा। ठीक है।